भदोही से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए डीएम एसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण एवं रूट मार्च। भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन क्रियाशील। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट आर्यिका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया स्थलीय निरीक्षण एवं रूट मार्च। भदोही जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा अपनी प्रभावी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इस क्रम में आज जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट आर्यिका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सीआरपी असिस्टेंट कमांडेंट आरकेश श्रीवास सीआरपी सेकंड कमांडेंट अभिनव आनंद द्वारा संयुक्त रूप से कोइरोना थाना ग्राम पंचायत डीग परसनी कटरा बाजार क्षेत्र डीग में विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर गहन स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई मतदान के समय किसी व्यक्ति को डराता एवं धमकाता है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें तथा सी विजिल ऐप पर फोटो खींचकर अपलोड करने के बाद 100 मिनट में आपकी शिकायतों का निस्तारण कर आपको जानकारी दिया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने अपने भ्रमण के दौरान मतदान केंद्रों पर आगामी 7 मार्च 2022 को होने वाले मतदान की व्यवस्थाओं के संबंध में गहनता के साथ जायजा लिया गया। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को मौके पर निर्देश देते हुए कहा कि वनबिलिटी को लेकर जो मतदान केंद्र चिन्हित हैं उनके संबंध में प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई करते हुए मतदान की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि सभी मतदान केंद्रों पर आयोग की मंशा के अनुरूप कुशलता पूर्वक मतदान सम्पन्न हो सके। खुशी खुशी वोट दीजिए। आपको वोट देने से यदि कोई रोकता है, कोई परेशान करता है, कोई डराता है, कोई दुष्प्रभावित करता है तो हम मदद को तैयार हैं। ठीक है, हम मदद करेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पे, लेकिन आप भी उसमें सहयोग करिए। खुद कोई गलत एक्टिविटी में शामिल मत होइए। अगर कोई गलत करता है तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ठीक है, ये लोकतंत्र में 5 साल में ये जागरूक काफी लग रहे हैं। और एक ऐप भी है।